ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। মাদকযোগ মামলায় দীপেশের এনসিবি হেফাজত, 9 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হেফাজতের নির্দেশ আদালতের। দীপেশ সৌভিক রিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের সম্ভাবনা, মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সম্ভাবনা যেমনটা সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। সুশান্তের হাউসটাফ দীপেশ সাওয়ান্ত, তার 9 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হেফাজতের নির্দেশ আদালতের। মাদকযোগ মামলায় দীপেশের এনসিবি হেফাজত, 9 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হেফাজতের নির্দেশ আদালতের। দীপেশ সৌভিক এবং রিয়াকে মুখোমুখি বসিয়ে আজ জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে যেমনটা জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে এনসিবি দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে রিয়া চক্রবর্তীকে, যেমনটা আমরা জানি। আজ সকালে দুই মহিলা অফিসার সহ এনসিবির একটি দল রিয়ার বাড়িতে যায়, তাকে সমন করা হয় এবং তারপরে 11টার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে 12টা নাগাদ এনসিবি দপ্তরে পৌঁছে যান রিয়া চক্রবর্তী। যেমনটা জানা যাচ্ছে দীপেশ সৌভিক এবং রিয়া তাদেরকে মুখোমুখি বসিয়ে আজ জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। মাদকযোগ মামলায় দীপেশের এনসিবি হেফাজত, যেমনটা জানা যাচ্ছে 9 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হেফাজতের নির্দেশ আদালতের। আমরা কথা বলবো, বিস্তারিত জানবো আমাদের প্রতিনিধি দীপেশ ত্রিপাঠীর সঙ্গে। দীপেশ, ক্যা পতা চল রহা হ্যায়? সওয়াল এক বার অর দোহরাঙ্গি, ক্যা পতা চল রহা হ্যায়? হম লোগো কো জেসা পতা চলা হ্যায় কি 9 সেপ্টেম্বর তক হিরাসত মে রাখা জায়েগা দীপেশ কো, জিতনা পতা চলা হ্যায় উস বিষয় মে জাননা চাহেঙ্গে আপসে। জি জি বিলকুল, দীপেশ সাওয়ন্ত জো হ্যায় সুশান্ত কে ঘর কা কাম দেখতা, উসে এনসিবি কাস্টডি दे दी गई है और 9 सितंबर तक जो है दीपेश को नारकोटिक्स अपनी कस्टडी में रखेगा। उनसे और भी कुछ दीपेश से इनपुट चाहिए जो नारकोटिक्स को नारकोटिक्स के आगे की जांच के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। जैसे दीपेश से एक महत्वपूर्ण बात जो सामने आई थी एनसीबी के नजरिए से, वो ये थी कि सुशांत के जो घर पे जो पार्टियां होती थी, सुशांत जिन पार्टियों में जाता था वहां ड्रग्स की लेन देन होती थी और वो ड्रग्स कौन कौन लेते थे, कहाँ से आते थे, कितनी मात्रा में आते थे, कौन से प्रकार के ड्रग्स थे, इन सारे सवालों के जवाब जो है वो दीपेश से एनसीबी जानना चाहती है। और इसीलिए 9 सितंबर तक जो है वो दीपेश की कस्टडी जो है नारकोटिक्स को दी गई है कोर्ट की तरफ से। दीपेश, और एक चीज आपसे पता करना चाहेंगे, सौभिक रिया और दीपेश, इन तीनों को एक साथ बिठा के सवाल किया जा सकता है क्या आज? जी बिल्कुल, इसकी भी पूरी तरह से संभावना है कि सौभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती, इनको आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किया जाए, क्योंकि एनसीबी की जांच का जो दायरा है वो पूरी तरह से ड्रग्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और रिया से सबसे पहले तो उससे जो आरोप लगे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा कि उसे वो आरोप मान्य है या नहीं और उसके बारे में उसका क्या कहना है। लेकिन जैसे हमने देखा कि सौभिक ने कबूल कर लिया था कि रिया उसे पैसे देती थी सुशांत के अकाउंट से ड्रग्स लाने के लिए, सौभिक 5 से 6 ड्रग पेडलर्स के संपर्क में था, सैम्यूल उन ड्रग्स को सुशांत तक पहुंचाता था, ये उन्होंने कबूल कर लिया है। और अगर रिया इन सब बातों से इनकार करती है तो तीनों को सामने बिठाकर इंक्वायरी की जाएगी एनसीबी की ओर से। और जिसके बाद जो है कि अगर रिया का जो लिंक है, अब तक तो काफी बहुत बहुत सी बातें स्पष्ट हो गई हैं, और अगर रिया का लिंक और भी स्पष्ट हो जाता है या रिया खुद कबूल कर लेती हैं तो उन्हें आज शाम तक गिरफ्तार भी दिखाया जा सकता है। शुक्रिया दीपेश।